हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज होगा। और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हल्का सा आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर। ये पॉलीनोमियल दे रखी फोर इसके अंदर, और ये बताना है कि x प्लस वन जो है इनमें से किस किस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जब आप जैसे ये पॉलीनोमियल है इसको अगर x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आए, जीरो आए। रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, इट मीन्स क्या इसका फैक्टर है वो। चलो पहले इस फैक्टर थ्योरम को देखते हैं क्या है। मैंने लिख रखा, देखिए यहाँ पे, इफ पी एक्स इज ए पॉलीनोमियल, मान लीजिए पी एक्स आपकी कोई पॉलीनोमियल है ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन, यानी उसकी डिग्री या तो वन है या वन से ज़्यादा है, एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए आपका कोई भी रियल नंबर है, देन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वन, ए रियल नंबर था, इसका ऑपोजिट क्या, देखिए माइनस लगा दिया यहाँ पे, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा कब, इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस पॉलीनोमियल में अगर आप ए की वैल्यू को पुट करें और वो वैल्यू आ जाए जीरो, तो उस केस में आपका पुट किसको किया है, ए को, और फैक्टर क्या बना है, एक्स माइनस ए, यानी प्लस ए पुट किया, एक्स माइनस ए इसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर पी ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी इसे ऑपोजिट पी ए इज इक्वल टू जीरो है, इफ दूसरा क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा कब, If x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कहने का मतलब अगर पी ए इज इक्वल टू जीरो हो तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और x माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। इसका यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट पार्ट के लिख दिए, ये बताना यही है कि फोर पॉलीनोमियल दे रखे, पहले वाले पॉलीनोमियल को लिख दिया, और ये पूछा है कि क्या इस पॉलीनोमियल का x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, तो पहले तो लेट पी एक्स इस पॉलीनोमियल को लिख देते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो आपकी पॉलीनोमियल है, ठीक है। अब ये देखना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे यहां था ना, अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो पी ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी कि पहले हम इसको जीरो में कन्वर्ट करें, जो ये आपका जो दूसरी पॉलीनोमियल x प्लस ए दे रखी है, इसको हम किसके इक्वल कर लें, जीरो के इक्वल कर लें, इसकी जीरो फाइंड आउट कर लेंगे। पुटिंग x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। यानी से अगर उस क्वेश्चन के हिसाब से बात कर दिया, एक ही जगह क्या आ जाएगा, आपका माइनस वन हो जाएगा। अब इसको इस पॉलीनोमियल के अंदर पुट कर देंगे, इसको इस माइनस वन को, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन रख देंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई है तो इसका मतलब x प्लस वन इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो When पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय, फैक्टर तो तभी होगा ना जब उसको डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आए, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, इसको किसी डिवाइड करें, एक्स प्लस वन, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज गिवन बाय रिमाइंडर को किससे बताएंगे आप, x की वैल्यू माइनस वन निकाली है आपने, तो रिमाइंडर इज गिवन बाय p माइनस वन, जो p माइनस वन की वैल्यू होगी वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब इसको करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहां रखेंगे फिर p माइनस वन निकालना है आपने, p माइनस वन पी एक्स आपकी ये दे रखी है, तो यहाँ अगर आप p माइनस वन निकालेंगे, p माइनस वन, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन पुट करते जाइए, x क्यूब का मतलब माइनस वन का क्यूब,
एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब माइनस वन और प्लस क्या हो जाएगा वन। माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन, फिर आगे क्या है माइनस वन, फिर आपका क्या है प्लस वन। माइनस के कितने हो गए यहाँ पे टू, प्लस के कितने टू इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, यानी कि रिमाइंडर क्या आता है इसका जीरो आता है। और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वन इस गिवन पॉलीनोमियल का क्या है फैक्टर है। देयरफॉर रिमाइंडर जीरो आ गया, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका फैक्टर हो जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए पॉलिनोमियल आपकी x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चेक किसको करना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए जो पहले x प्लस वन दे रखा है जो आपकी पॉलिनोमियल दे रखी है उसको किसके इक्वल कर लेंगे जीरो के, जीरो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस वन हो जाएगा। फिर वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह व्हेन पी एक्स, पी एक्स यानी कि जो आपकी पॉलिनोमियल दे रखी है यही वाली, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर इज गिवन बाय पी माइनस वन। रिमाइंडर को किससे बताएंगे आप, पी माइनस वन से बताएंगे। अब पी माइनस वन निकालिए आप, और पी माइनस वन क्या होगा ये रहा पी एक्स, इसमें पुट करेंगे जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दीजिए माइनस वन। एक्स की फोर का मतलब माइनस वन की फोर, एक्स क्यूब का मतलब माइनस वन का क्यूब, एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, एक्स यानी कि माइनस वन और प्लस वन। माइनस वन की फोर प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन, ये प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, तो प्लस के वन वन एंड वन कितने हो गए थ्री, माइनस के टू इज इक्वल टू क्या आ गया वन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है पी माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, उस गिवन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, गिवन पॉलिनोमियल का जो कि पी एक्स आपकी थी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर ये नहीं है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या आ गया है वन के इक्वल आया जो कि जीरो नहीं है। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड पार्ट में जो आपकी दे रखी है पॉलिनोमियल वो दे रखी है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये दे रखा है। पहले तो वही जी इस जो हमने चेक किसको करना है कि भी x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए क्या कर देंगे पुटिंग इस पॉलिनोमियल के हम जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, वही जो बार बार हर एक पार्ट में कर रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस वन। व्हेन पी एक्स इज, इसको लिखना था हमने, इसको लिख देते इसी को कह देते हैं ये पी एक्स आपकी, लेट ये पी एक्स ही है। When px, ये px आपके लिए, when px is divided by x plus 1, remainder is given by 0, हमने क्या find out किया minus 1, तो remainder is given by p minus 1, यानी हम निकालेंगे p minus 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन रख देंगे, इस x की जगह माइनस वन, एक्स की फोर माइनस वन की फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या कर देंगे माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस x यानी कि माइनस वन, और फिर उसके बाद आपका क्या है प्लस वन।
सोल्व करोगे माइनस वन की फोर प्लस वन हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू क्या हो जाएगा माइनस वन, प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस वन और क्या हो जाएगा प्लस वन। थोड़ा और आगे कीजिए, वन थ्री को और माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, थ्री की और वन की करेंगे क्या हो जाएगा प्लस थ्री, फिर आपका क्या है माइनस वन, फिर आपका क्या है प्लस वन। अब प्लस के देखिए कितने हैं, वन थ्री वन फोर फाइव, एंड माइनस के माइनस थ्री एंड माइनस वन क्या है माइनस 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 फोर। फाइव में से फोर जाएंगे कितना बचेगा आपका वन, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि आपका जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो देखिए p माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स, इस गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का ये फैक्टर नहीं है। ये होगा आपका इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है क्या, वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, और वही बताना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पहले तो ये जो दे रखी है पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे ताकि इसका जीरो फाइंड आउट हो जाए अपने को। पुटिंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन हो जाएगा। अब व्हेन पी एक्स, ये आपकी क्या है पी एक्स है, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, जब आप पी एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स प्लस वन से, रिमाइंडर इज गिवन बाय पी माइनस वन, पी माइनस वन निकालिए आप, यानी से रिमाइंडर आ जाएगा, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, पी एक्स, एक्स की जगह माइनस वन, सबसे पहले एक्स क्यूब यानी कि माइनस वन का क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स, एक्स आपका क्या है माइनस वन है, और प्लस आपका क्या है रूट टू है, माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा ये। और देखिए ये माइनस, ये बाहर माइनस, दोनों माइनस है ना, तो माइनस और इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इस माइनस को अंदर लेके आते हैं, हो जाएगा माइनस टू और माइनस रूट टू और प्लस रूट टू, यानी इस माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस वन एंड माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और इस माइनस को जब अंदर करेंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू, ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस रूट टू, और क्या आपका ये प्लस रूट टू। तो यहाँ क्या, और आपका देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या रूट टू एंड रूट टू, रूट टू और रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं टू रूट टू, यानी कि रूट टू टू टाइम्स है, दो बार है, और विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो के बराबर नहीं आया, यानी कि पी माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर ये नहीं है, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है।